Hare Krishna and a very good morning to all of you. Students, today I am telling you some more back exercise of lesson 2, Chiku and Jhumri. It is given on page number 14. What is in this exercise? You have to make adjectives from nouns. This is grammar workshop and in it we have to make adjectives from nouns. हमको नाउन से एडजेक्टिव बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? आपने नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स ये दोनों वर्ड्स पहले पढ़े होंगे. मैं आपको एक क्विक रिकॉल करती हूँ. व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग के नेम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है. और एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं दैट क्वालिफाई नाउन्स. वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, ओके. अब नाउन वर्ड्स जो होते हैं, वी कैन टच, इनमें डिफरेंस ये होता है कि वी कैन टच द नाउन वर्ड्स. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड एंड थिंग को हम टच कर सकते हैं, ठीक है. बट वी कांट टच एडजेक्टिव्स, ठीक है. अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको बताती हूँ. देखिए, यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है. अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकल रहा है. मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है. अब यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव है और मोहन एक नाउन है, ठीक है. अब यहां पर हम देखेंगे ये जो गुड वर्ड है ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, मतलब ये गुड वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? मोहन के लिए यूज हुआ है, ठीक है. तो ये देखिए, ये एडजेक्टिव हुआ. एडजेक्टिव वर्ड जो है वो नाउन की क्वालिटी बताता है, तो गुड एडजेक्टिव हो जाएगा, मोहन यहां पर नाउन हो गया, ठीक है. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, राहुल इज अ चीयरफुल बॉय. यहाँ पर चेयरफुल आया है राहुल के लिए, कि राहुल एक खुश मिजाज लड़का है, ठीक है. तो चेयरफुल यहाँ पर राहुल के लिए आया है, तो यहाँ पर राहुल की क्वालिटी बता रहा है चेयरफुल वर्ड जो है, ठीक है. तो राहुल की क्वालिटी जो वर्ड बता रहा है वो एडजेक्टिव हो जाएगा और राहुल नाउन हो जाएगा. मतलब नाउन की क्वालिटी बता रहा है ये वाला वर्ड, दैट्स व्हाई दिस इज एन एडजेक्टिव. अब आप बताइए कि आप चेयरफुल को टच कर सकते हैं क्या? नहीं ना, हम राहुल को टच कर सकते हैं बट वी कांट टच चीयरफुल, ओके, बिकॉज दिस इज अ क्वालिटी. थर्ड सेंटेंस भी देखते हैं, वी शुड ईट हेल्दी फूड. अब किस तरह का फूड हमको खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर फूड की क्वालिटी क्या है? हेल्दी. फूड नाउन हुआ और हेल्दी उसकी क्वालिटी हो गई. सो दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज नाउन, ठीक है. फूड को हम टच कर सकते हैं, हेल्दी को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है. यहाँ पर देखिए, नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है. सबसे पहला रूल है बाय एडिंग वाई. अगर कोई नाउन है और उसके एंड में अगर हम वाई ऐड कर दें तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर एयर नाउन है, एक नाउन है ये, ठीक है. इसके एंड में हमने वाई ऐड करा तो ये बन गया एरी. एयर मीन्स होता है हवा, एरी मीन्स हवादार, ठीक है. सेकेंड देखते हैं, डस्ट, डस्टी. डस्ट मीन्स होता है धूल और डस्टी मीन्स होता है धूल भरा, ठीक है. कभी भी हम बोलेंगे तो हम, जैसे मान लीजिए मैं इसका ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि ये कमरा बहुत धूल भरा है, दिस रूम इज वेरी डस्टी, बोलेंगे ना कि दिस रूम इज वेरी डस्ट, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम. दिस रूम हैज सो मच डस्ट इन इट, ठीक है. तो जब डस्ट वर्ड आएगा, इस रूम में बहुत सारी धूल है, तो यहाँ पर जो धूल वर्ड है ना, डस्ट वर्ड है, वो उस समय नाउन होगा. लेकिन अगर डस्टी है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब वो रूम की क्वालिटी बता रहा है कि रूम किस तरह का हो रहा है, धूल भरा रूम हो रहा है, ठीक है. इसी तरह से फन वर्ड में एन और वाई ऐड करके फनी बन गया. फन मीन्स मजाक, फनी मीन्स ही इज वेरी फनी, बोलते हैं ना, वो बहुत मजाकिया है. ही की क्वालिटी बताई यहाँ पर फनी ने. अभी यहाँ पर देखिए, ही इज फन. हम यहाँ पर फन जो है वो ही की क्वालिटी तो नहीं बता रहा है, फनी वर्ड ही इज वेरी फनी, तो फनी वर्ड जो है वो ही की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है. नेक्स्ट रूल देखते हैं, एल वाई. कभी हम नाउन्स में एल वाई ऐड करके भी उस नाउन वर्ड को एडजेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है. देखिए ये वाला देखते हैं, फ्रेंड. फ्रेंड के एंड में एल वाई ऐड किया, फ्रेंडली बन गया. ईयर के एंड में एल वाई ऐड किया, ईयरली बन गया. होम के एंड में एल वाई ऐड करने से होमली एडजेक्टिव बन गया. ऐसी चीज कुछ और एक है कि एडिंग एफ यू एल. नाउन वर्ड्स के एंड में हम एफ यू एल ऐड करके भी उससे एडजेक्टिव बना सकते हैं. देखिए यहाँ पर ये चीयर, चीयर मीन्स होता है खुशी, चीयरफुल, खुश मिजाज, ठीक है.
फियर फियरफुल, पीस पीसफुल. फियर मतलब होता है डर और पीस मीन्स होता है शांति. ठीक है. नाउ हियर सम एक्सरसाइज इज गिवन. मेक द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स. ठीक है. आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट में नाउन वर्ड्स दिए हुए हैं और इनसे आपको एडजेक्टिव बना के यहाँ पर फिल करना है. ठीक है. देखिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं. तन्वी बॉट अ डैश वॉच. ठीक है. यहाँ पर वर्ड दिया है कॉस्ट. अब हम कॉस्ट में क्या ऐड करें. अब जब आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा. तन्वी ने एक महंगी घड़ी खरीदी. ठीक है. कॉस्ट मीन्स होता है उसका प्राइस. ओके. तो कॉस्टली जब हम अगर हम यहाँ पर कॉस्ट लिखते हैं, एक बार आप रिज्यूम करिए कॉस्ट लिखिए यहाँ पर, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा. तन्वी बॉट अ कॉस्ट वॉच. तन्वी ने एक प्राइस की घड़ी खरीदी. यहाँ पर आपको कुछ लग रहा है कि कोई क्वालिटी डिफाइन हो रही है वॉच की. नहीं, जब हमने इसको कॉस्ट को कॉस्टली बनाया, तन्वी बॉट अ कॉस्टली वॉच, उसने एक महंगी घड़ी खरीदी, मतलब घड़ी की क्वालिटी क्या है, वो महंगी है. ठीक है. तो कॉस्टली एडजेक्टिव हुआ यहाँ पर. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. द डैश क्रो पुट सम पेबल्स इन द पॉट. किस तरह के क्रो ने, पेबल्स मीन्स होता है पत्थर और पॉट बर्तन में, किस तरह के क्रो ने पत्थर डाले थे पॉट में. आपने वो स्टोरी सुनी होगी थर्स्टी क्रो की. तो यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड दिया थर्स्ट, जो एक नाउन है. इससे हमको एडजेक्टिव बनाना है. किस तरह का क्रो था वो, प्यासा कौवा. अब थर्स्ट मीन्स होता है प्यास. इसको प्यासा बनाने के लिए वर्ड होगा थर्स्टी, जिसमें हमने थर्स्ट में वाई ऐड करा, जो अभी हमने रूल्स में पढ़ा था. ठीक है. थर्ड देखते हैं. द डॉग इज अ डैश एनिमल. डॉग एक वफादार जानवर है. फेथ मीन्स होता है वफा. ठीक है. तो वफादार, यहाँ पर वफादार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ऑन पेज नंबर 15. अ पैरट इज अ डैश बर्ड. पैरट एक दोस्त जैसी बर्ड है. तो फ्रेंड के फ्रेंडली आए, इसके लिए फ्रेंड को एडजेक्टिव क्या बनाएंगे, फ्रेंडली. ओके. द चिल्ड्रन वर सो डैश दैट दे एट ऑल फूड. बच्चे बहुत भूखे थे इसलिए उन्होंने सारा खाना खा लिया. अब यहाँ पर हंगर का मीनिंग होता है भूख. ठीक है. हंगर मीनिंग का मतलब होता है भूख, बट यहाँ पर हम भूख तो नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत भूख थे इसलिए उन्होंने सारा खाना खा लिया. बच्चे बहुत भूखे थे. द चिल्ड्रन वर सो हंग्री. हंग्री एडजेक्टिव होगा. ठीक है. The boys rushed in with dash slippers. अब mud noun से हमको क्या बनेगा, The boys rushed in with muddy slippers. मतलब बच्चे लड़के दौड़ते हुए कैसी slippers के साथ दौड़ते हुए अंदर आए, कीचड़ से भरी हुई. Mud means होता है कीचड़, muddy means कीचड़ से भरी हुई slipper के साथ में वो लोग अंदर आए. More exercise I'm telling you. Vocabulary. Fill in the blanks with the correct words. यहाँ पर आपको क्या करना है, bracket में कुछ words दिए गए हैं and you have to चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट हेयर. ठीक है. पहला सेंटेंस देखते हैं. आई कांट रीच द शेल्फ, इट इज वेरी डैश. अब हाई और फार. हाई मीन्स होता है ऊंचा, फार मीन्स होता है दूर. शेल्फ, कोई भी शेल्फ, अलमेरा का जो शेल्फ होता है वो, तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं शेल्फ पर नहीं पहुँच सकता. इट इज वेरी हाई होना चाहिए कि फार होना चाहिए. अब आप बताइए कि जब आप शेल्फ में से सामान निकालेंगे तो आप शेल्फ से दूर तो नहीं खड़े होंगे, उसके पास खड़े होंगे. और अगर वो ऊंचा है तब आप उसमें से सामान नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पर, इट इज वेरी हाई. ठीक है. दूर रह के तो आप सामान नहीं निकालेंगे, इट इज वेरी ऊंची होगी तभी आप सामान नहीं निकालेंगे. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई. सेकंड, आई एम स्केयर्ड टू क्रॉस द ब्रिज. मुझे डर लग रहा है ब्रिज को क्रॉस करने में. इट इज वेरी वाइड और नैरो. वाइड मीन्स होता है चौड़ा, नैरो मीन्स सकरा. किस तरह के ब्रिज को क्रॉस करने में डर लगेगा, सकरे ब्रिज को. नैरो आंसर होगा यहाँ पर. थर्ड है, माय ग्रैंडफादर इज नॉट फुलिश, ही इज वेरी डैश. मेरे ग्रैंडफादर फुलिश मींस मूर्ख नहीं है, ही इज वेरी वाइस. यहाँ पर मैंने लिखा है क्लेवर और वाइस, वो बहुत बुद्धिमान है. तो क्लेवर चतुर होता है, वाइस मींस बुद्धिमान. तो ही इज वेरी वाइस होगा यहाँ पर. फोर्थ, डोंट टच द नाइफ, इट इज वेरी डैश. नाइफ को टच मत करो, वो बहुत ब्लंट है या शार्प है. आपको फिल करना है, ब्लंट मीन्स होता है जिसमें धार नहीं होती, और शार्प मीन्स जिसमें धार होती है. सो जो धार वाला चाकू होगा उसी को टच करने के लिए मना किया जाएगा. सो डोंट टच द नाइफ, इट इज वेरी शार्प. ओके स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स टुडे वी डिड द ग्रामर वर्कशॉप एंड वोकैबुलरी. ऑल ऑफ यू हैव टू डू बोथ दीज एक्सरसाइज इन योर बुक्स. ओके. एंड आफ्टर दैट
I will give you some more exercise. Do it also and then submit me on time. So that's all for today. Thank you all of you and take care.